Hello friends, welcome to the channel Masters of Botany, and I'm Vinay Kumar Singh. And in this video I'm going to tell you about the plant physiology section, which is unit number 6, and it is given as System Physiology Plant. Okay, so is यूनिट को आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. ओके, ये यूनिट जो है वो इसमें इंटर रिलेशंस काफ़ी नहीं है. प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो एक एक जो इसका टॉपिक है वो काफ़ी अलग है. ठीक है, उसको हमें लिंक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको पता है प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या आते हैं. प्लांट फोटोसिंथेसिस आता है, प्लांट रेस्पिरेशन आता है, फोटो रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, प्लांट हार्मोन्स दिया है, सेंसरी फोटोबायोलॉजी दिया है, सेल्यूल ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस पता है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस आप बहुत बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11th 12th, हमेशा से आप एक सेट ऑफ रिएक्शंस को रटते आए हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, देन डार्क रिएक्शंस. ओके, तब हम इसी चीज़ की बात करेंगे. काफ़ी नोन थिंग है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, बेसिक लाइंस है. तो फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है. रेस्पिरेशन लाइक दैट ऑफ एनिमल, रेस्पिरेशन फॉर प्लांट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, सो दैट वी कैन ब्रेक डाउन अवर फूड दैट वी ईट. और इन द केस ऑफ प्लांट्स, द प्लांट इट देमसेल्फ मेक देयर फूड, सो दे आल्सो नीड रेस्पिरेशन टू यूटिलाइज द एनर्जी they have already saved as photosynthate. Photorespiration is other thing. You know that plants have the hormones rubisco that has the capability of doing carboxylase activity and oxygenase activity. Then this photorespiration is oxygenase activity. Two things I think you have already know, photosynthesis and respiration. Then come to the nitrogen metabolism. In nitrogen metabolism, nitrogen firstly, as I have told you in the microbiology section, where we were discussing about the macromolecules, important macromolecules. Then there was carbon, nitrogen and oxygen. You may be knowing these things, that these three element make the major part of our body or any living organism. See, carbon, nitrogen or oxygen. Nitrogen का metabolism इसीलिए हमारी body के में important है. Carbon आपने देखा कि carbon का fixation होता है. Carbon हमारी body का या किसी भी living organism का एक important element होता है. फिर दूसरी चीज क्या मैंने बताया, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं. ठीक, फिर आता है नाइट्रोजन, जो कि थर्ड मेजर एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए. फिर इसका मेटाबॉलिज्म इसीलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है. यहाँ पे नाइट्रेट और अमोनियम एसिमिलेशन है. एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, आपको पता है. एमिनो एसिड जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, या ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, तो आप जानते हैं एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, यूनिट्स होते हैं, या जिसे मोइटी कहते हैं. ठीक है, मीन्स एमिनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन बनता है, जो कि एक बॉडी का इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है. एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड. तो इसीलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. डी में हम आते हैं प्लांट हार्मोन्स. लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, प्लांट हैव आल्सो अ सेट ऑफ प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन, ग्रेलिन, साइटोकाइनिन, एंड दे हेल्प इन द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट. ओके, लाइक हाउ दे आर गोइंग टू सेंस वेयर देयर इज लाइट and gravitational forces, etc. Then the E section is sensory photobiology. Plant ने बहुत सारे अपने processes को,
लाइट के अकॉर्डिंग एडाप्ट किया है, ठीक है, उनमें जो भी फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, तो उनमें से तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत केमिकल सिग्नलिंग जो है, वो सेंसर बहुत सारे होते हैं प्लांट्स में। सेंसर क्या होते हैं? यही एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? लाइट सेंसिंग, जैसे हमारे आईज हैं, हमारी आईज क्या करती हैं? लाइट को सेंस करती हैं, तभी हमें हर चीज दिखता है। वैसे प्लांट के केस में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चीजें जो है वो लाइट पे डिपेंड होते हैं, जैसे स्टोमेटल ओपनिंग और फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा होगा, क्रिप्टोक्रोम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें लाइट पे डिपेंड है, इसीलिए प्लांट्स ने कुछ सिस्टम इवॉल्व किए हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं लाइट के। जैसा फोटोसिंथेसिस ही हुआ, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, वो लाइट को रिसीव करता है। तो ऐसे ही ये सेंसरी फोटोबायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्शंस ऑफ फाइटोक्रोम्स, क्रिप्टोक्रोम्स, फोटोट्रॉपिन्स, स्टोमेटा मूवमेंट, फोटोपीरियोडिज्म, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, ये लाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एफ में आते हैं सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि सनलाइट का यूज कहाँ पे होता है? लीव्स में। तो वहां पे जो फूड बनाते हैं पेड़ पौधे अपने लीफ में, वो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर लीफ में चीजें बन गई हैं, और डेवलपमेंटल प्रोसेस तो हर जगह चलते रहते हैं, सेल डिवीजन हर जगह होने हैं, रूट का भी ग्रोथ होना है, तो इन लीव से इस फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सल्यूट ट्रांसपोर्ट, सल्यूट का मतलब जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक चीज होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन, और फोटो एसिमिलेट मतलब फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका अपटेक, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर आयन्स, सोल्यूट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू सेल्स, अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जी में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप जानते हैं कि अभी तक, अभी जो रिसर्च चल रहे हैं, मोस्टली दे आर कंसिडरिंग द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम एल्गी, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, और प्लांट्स के केस में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे रिसर्चेस इस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, फिनॉल्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड एंड देयर रोल्स क्या है, हम वो पढ़ेंगे इस सेक्शन में। एच में आता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी तो ये सब सारी चीजें नॉर्मल फिजियोलॉजी थी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है स्ट्रेस में कैसे उनका फिजियोलॉजी काम करता है, इसमें रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस हम पढ़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बेसिक चीजें बहुत सारी पढ़ी हैं, तो हम बताएंगे कि कौन कौन से सेट ऑफ केमिकल्स होते हैं और कैसा है, इसमें रिएक्शन काफी है तो वो आपको जानना होगा, ठीक है, और एक दूसरे से चीजें कैसी लिंक्ड है ये आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट में ये सारी चीजें थी, ये इस यूनिट का ओवरव्यू था जो कि है यूनिट नंबर 6। मैं आपको स्टार्टिंग से ए जो इसका सेक्शन है फोटोसिंथेसिस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एक एक चीजें जो रेस्पिरेशन है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, ये चीजें मैं कवर करूंगा, और जल्दी से जल्दी मैं इस यूनिट को खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मिलते हैं इसके फर्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए। अभी मैं प्ला डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वीडियोस डाल रहा हूँ, इवोल्यूशन के वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा है इस बार से मैं मैक्सिमम यूनिट को कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके एग्जाम्स जो है वो आपके एग्जाम्स में काफ़ी फायदा हो आप लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके वेट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।